तो गाइस सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यूनिक कोड एप्लीकेशन को आप लोग को गूगल एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। उसके बाद ओपन कीजिएगा, ये वाला फॉन्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ऐड कर लेने के बाद यहाँ पर देख सकते सब अलग अलग टुकड़ा किया हुआ है, इसको आप लोग को एक एक क्लिक करके आप लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैं यहाँ पर अलग अलग है तो आप लोगों को अलग अलग दबा के इस तरह से कर लेनी है। उसके बाद आप लोगों को कॉपी कर लेना है, इसका यूनिक कोड को कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन में आ जाना है, और उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर डबल क्लिक करके उसको आप लोग पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पेस्ट कर देना है, ठीक है, यूनिक कोड को पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते आ गया है यूनिक कोड। उसके बाद इसको अभी क्या कीजिएगा, यहाँ पर फॉन्ट में आ जाना है। फॉन्ट में आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को माय फॉन्ट में आ जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को ओ फॉन्ट को चूज़ कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को ओके कर देना है। देख सकते हैं इस तरह से आ गया, और देखिए इस तरह से काट रहा है, तो आप लोगों को इस तरह से बड़ा कर लीजिएगा सबसे पहले, और इधर देख सकते हैं थोड़ा काट रहा है, ठीक है। तो आप लोग उसको पेंडिंग में क्लिक करना है यहाँ पर, उसके बाद इस तरह से नीचे वाला में इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा, और ऊपर वाला इस तरह से क्लिक कर लीजिए तो गैप हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से गैप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग इसको काम कीजिए, तो सबसे पहले इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, कलर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडिंग कलर रखिएगा, आप लोग कोई भी कलर रख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को राइट क्लिक क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है, देख सकते हैं स्ट्रोक वाला, सॉरी शेडो वाला, शेडो वाला में क्लिक करना है, वही वाला कलर आप लोगों को यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं वही वाला कलर को मैं चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3D का ऑप्शन दिया हुआ है, 3D वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और इसको इनेबल कर देना है, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए साइड वाला में आप लोगों को क्लिक करना है, जैसे क्लिक कर दीजिएगा इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना, डेप्थ को यहाँ पर इस तरह से रखना है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चक्री देखिए यहाँ पर दिखेगा, तो यहाँ पर नंबर के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर रख देना है। इस तरह से जहाँ जैसे आप लोगों को करना है इस तरह से आप लोगों को रख देना है, जैसे मैं यहाँ पर इतना रखता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को रख देना है जैसे भी घुमा के, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से नीचे आ जाएंगे, और इसको आप लोगों को ऑफ कर देना है, ऑफ कर दीजिएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है गाइस। इसका हो गया ओके, ओके हो गया, इसका भी हो गया है। उसके बाद आप लोगों को फिर से टैक्स में आ जाना है, टैक्स में आ जाना है, यहाँ पर देखिए टैक्स में आ जाना है, वही वाला आप लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। यूनिक कोड उसी को आप लोगों को पेस्ट कर देना है दोबारा, ठीक है, दोबारा पेस्ट कर दीजिएगा। उसी तरह से आप लोगों को फॉन्ट को ऐड करना है, वही उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर वही वाला फॉन्ट को आप लोग चूज़ कर लीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, देख सकते हैं वही वाला फॉन्ट बन जाएगा। उसी तरह से आप लोगों को इसको बड़ा कर लेना है, पेंडिंग करके थोड़ा सा गैप कर लेना है, और उसके बाद साइज आप लोगों को यहाँ पर उसके ऊपर में लगा देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को उसी के हिसाब से आप लोगों को साइज बढ़ा लीजिएगा, इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से, और यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से आप लोगों को रखना है। देखिए 3D कैसे बन रहा है, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो इस तरह से आप लोगों को कर देना है, कर देने के बाद आप लोगों को ओके में क्लिक कर देना है। तो ओके में आप लोगों को क्लिक कर देना होगा, तो मैं ओके में क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्ट्रोक वाला ऑप्शन है, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है। तो देखिए ब्लैक कलर रखना है आप लोगों को, कोई भी कलर रख सकते हैं। उसके बाद जितना आप लोग स्ट्रोक मारना है मार लीजिएगा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को अभी दिखा दे रहा हूँ, कलर वाला ऑप्शन है। तो कलर वाला ऑप्शन में कोई भी कलर यहाँ पर आप लोग रख सकते हैं, जो व्हाइट है व्हाइट को आप लोग कोई भी कलर रख सकते हैं, ठीक है। मैं देख सकते हैं इस तरह से आप लोग चेंज कर सकते हैं अलग अलग, तो मैं ये वाला कलर रखता हूँ, देखिए ये वाला जो अच्छा लग रहा तो इसको मैं रखता हूँ, और इसका क्या करूँगा, मैं स्ट्रोक को व्हाइट कलर करूँगा, तब जाके पता चलेगा। यहाँ पर स्ट्रोक वाला ऑप्शन मिलेगा, स्ट्रोक वाला ऑप्शन में क्लिक करके इसको व्हाइट कलर रख दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से आप लोगों को रख लेना होगा, रख लेने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना, लेयर में आ जाना है, दोनों को मर्ज कर देना है इस तरह से, और ओके कर देना है, ओके कर दीजिएगा इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ चिपक गया, ठीक है, इस तरह से चिपक जाएगा।
उसके बाद इसको जितना भी इधर उधर करेंगे एक साथ चिपकेगा, बड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा, जितना आप लोगों को बड़ा रखना है छोटा रखना है इस तरह से कर लीजिएगा। डिजाइनिंग हो गया, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में क्लिक कर देना है तो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, PNG बन जाएगा, ये कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन है, इसमें आप लोग क्लिक करके PNG रहेगा और यहाँ पर डिफॉल्ट में क्लिक करके अल्ट्रा करके आप लोगों को सेव टू गैलरी कर देना होगा। तो सेव टू गैलरी जैसे ही कर दीजिएगा तो आप लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। चलिए आप लोगों को गैलरी में दिखा देते हैं, इसको अभी आप लोग यूज कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।